दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में डिटोर चौक पर किसान सभा, बल बचाओ किसान संघर्ष समिति, सीटू और इंटक ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इन तीन कानूनों के लिए केंद्र सरकार ने पहले अध्यादेश लाए और फिर संसद से बिना किसी चर्चा कराए इन्हें पास किया गया। आज उसके दुष्प्रभाव देखने को नजर आ रहे हैं। आज किसानी पर भारी खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते पूरा भारतवर्ष का किसान संघर्ष पर है। लाखों किसान दिल्ली में कड़कती ठंड में हड़ताल पर बैठे हैं। ये सही बात है कि इन तीन कानूनों को वापस करके समर्थन मूल्य पर गारंटी के लिए कानून बनाना चाहिए, और यदि कोई समर्थन मूल्य से कम पैसे देता है तो उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ साथ बिजली बिल 2020 तुरंत वापस लिए जाना चाहिए, और इसी संदर्भ में ये भी स्पष्ट है कि एक तरफ सरकार देश के हवाई अड्डों को अडानी को बेच रही है और दूसरी ओर बल के किसानों की लगातार अनदेखी की जा रही है। किसानों की अनदेखी और शोषण व दमन के खिलाफ ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती और बल का किसान संघर्ष को समर्थन देता रहेगा। प्रदर्शन को जोगिंदर बालिया अध्यक्ष, बल बचाओ किसान संघर्ष समिति परशुराम अध्यक्ष, हिमाचल किसान सभा राजेश शर्मा, जिला सीटू सचिव ने भी संबोधित किया। दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन करती है। ये जो तीन कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, किसान लगातार उसका विरोध कर रहा है, और साथ में जो बिजली बिल आ रहा है अभी 2020, उसको भी वापसी की मांग कर रहा है। ये तीनों जो कानून हैं, ये कारपोरेट परस्त जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, उसके लिए बनाए गए हैं। ये जो खेती किसानी किसान कर रहा है, उसका असर हमें आज सीधा नजर आ रहा है। इनका अध्यादेश जून में आया और सितंबर में कानून बना। सितंबर अक्टूबर में जो मक्की की खरीद और गेहूं की खरीद की गई हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी, जो मक्की जिसका समर्थन मूल्य 1850 रुपया है, वो मात्र 800 से लेकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल बल में बिक रही है, और गेहूँ जिसका मूल्य 2100 के आसपास है, वो 1100 रुपया प्रति क्विंटल बिक रही है। ये कहाँ चले थे कि ये कहने के लिए कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे? ये बड़े खेद की बात है कि उसकी आय आधी रह गई। इस बात को लेकर के किसान ये समझता है कि इससे उसकी इनकम नहीं बढ़ने वाली है, उससे उसकी किसानी खेती पे कॉरपोरेट अदानी और अंबानी कब्जा कर जाएंगे। इसीलिए ये आंदोलन आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। सरकार ढुलमुल रूप से कभी एक बहाना बनाती है, कभी दूसरा बहाना बनाती है, उनमें कुछ संशोधन की बात करती है, मगर किसान मना कर रहा है कि संशोधन जो है वो केवल कॉस्मेटिक मात्र हैं, उससे कानून नहीं बदला जा सकता। वो तीनों कानून जो है बिल्कुल समाप्त कर दिए जाने चाहिए, और MSP को लेकर के, MSP की गारंटी को लेकर के एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और हम उनके समर्थन में आज, क्योंकि ये जो समर्थन की कॉल है ये पूरे हिंदुस्तान में है, उसी का एक हिस्सा आज हम बल में इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि वे इन किसानों की मांगों को जल्दी माने, अन्यथा ये संघर्ष जितना लंबा ये सरकार चाहती है चलेगा, किसान इससे कम पर कहीं भी राजी नहीं होगा। धन्यवाद। उसके अलावा आज पूरे देश में जो किसान आंदोलित है, हम उनका समर्थन करते हैं, और साथ में पूरे देश के अंदर जितनी जत्थेबंदियां हैं, चाहे वो देश की ट्रेड यूनियंस है, CITU है, ATAC है, INTAC है, और उसके अलावा जो किसान सभा है, वो सारी की सारी जो है हर जिला स्तर पे जो है और ब्लॉक स्तर पे जो है वो धरने और प्रदर्शन करने जा रही हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ जो है कोरोना का इतना बड़ा कहर है, दूसरी तरफ से सरकार जो है हिमाचल सरकार, वो जो है एयरपोर्ट के नाम पे दलाली कर रही है, अदानी को जो है एयरपोर्ट देने की तैयारी कर रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हिमाचल सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है वो किसानों से बात करे। वो किसानों से क्यों नहीं बात कर रही है 2 साल से? वो किसी टीम को भेज रही है, कभी OLS आए, कभी वो वेबकॉस आ रहा है, वो जो है कह रहे हैं कि हम अब इसको जो है वो चैनलाइज करेंगे, कभी बोल रहे डाइवर्ट करेंगे। अरे यार मूर्खो, तुम कंसे खड का तुमने भाव नहीं देखा है, तुमने स्वेती खड का भाव नहीं देखा है। जब वो आती है पूरी गदागद होती है, एयरपोर्ट नाम की जो चीज रहेगी जहाँ पे तुम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। किसानों से बात करो कि ये क्यों हम जो है हम कह रहे हैं उपजाऊ जमीन है, तुम्हारे को ये समझ नहीं आ रही है कि उपजाऊ जमीन के ना क्यों को बर्बाद करने के आप एयरपोर्ट बनाने में लगे हुए? तो ये सारा का सारा
उसी तरह से, और आज जिस तरह से आज देश के अंदर तीन कानून लाए गए, उन कानून को माध्यम से जो किसान की खेती है वो बड़े कॉरपोरेट को देने की बात है, अंबानी अदानी को। और यहाँ बल में भी ऐसा ही हो रहा है कि दो साल से सरकार बात नहीं कर रही है, और दो साल से जो बात नहीं कर रही है चुपचाप तरीके से वो अदानी को ये जमीन सौंपना चाहती है, और फिर वो चाहे जो मर्जी करे। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, और इसको लेकर हम अभी SCM से भी क्या बोलते हैं ज्ञापन देंगे, और देश की जो सरकार है उससे भी कहेंगे कि आप जो ये किसान विरोधी जो नीतियाँ हैं उनको वापस लें, अन्यथा ये संघर्ष और लंबा होगा और आगे तक जाएगा। धन्यवाद।